दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है, हमें डेबिट कार्ड लेना चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, डेबिट कार्ड लेने में ज़्यादा फायदा है या फिर क्रेडिट कार्ड लेने में ज़्यादा फायदा है। तो आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्त आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये दोनों ही कार्ड चाहे डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा इशू किया जाता है, जो कि रुपए वीज़ा और मास्टर कार्ड के नेटवर्क के ऊपर काम करता है। देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं दोनों कार्ड, बट दोनों कार्ड के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, दोनों कार्ड के अलग अलग फ़ायदे हैं जो कि आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर बात करें डेबिट कार्ड का, तो डेबिट कार्ड से आप उतना ही पैसे खर्च कर सकते हैं जितना कि आपके बैंक अकाउंट में। जैसे कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और आपको कोई मोबाइल पसंद आ जाता है 20,000 रुपये के, तो आप उस मोबाइल को नहीं खरीद सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि जो भी डेबिट कार्ड से आप स्पेंड करते हैं, डेबिट कार्ड से पैसे को खर्च करते हैं, तो उस पर किसी भी तरीके का कैशबैक रिवार्ड पॉइंट्स देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में आपको एक लिमिट मिलता है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको 50,000 रुपये का लिमिट मिल चुका है, तो आप 50,000 रुपये बिंदास होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में बैलेंस होने का कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक में बैलेंस हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को ना बैंक से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर कुछ ना कुछ कैशबैक या फिर रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है, हर स्पेंड पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ क्रेडिट कार्ड के जो भी खर्च किए हुए पैसे होते हैं उसको 45 से 50 दिन बाद पेमेंट करना होता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। जितना आपने खर्च किए, जैसे कि 10,000 रुपये खर्च किए, तो 10,000 रुपये ही आपको देने हैं 45 से 50 दिन बाद। तो समझिए कि 10,000 रुपये का लोन मिल चुका है 45 से 50 दिन के लिए। इसी के साथ जब उसको पे करेंगे ना, तो पे करते समय भी दोस्तों कुछ ना कुछ हमें कैशबैक या फिर रिवार्ड पॉइंट मिलता है, अगर क्रेड एप्लीकेशन से करें तो। अगर नॉर्मली करेंगे तो आपके बैंक से बैलेंस कट के पे हो जाएगा, किसी भी तरीके का कैशबैक नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करते समय हमेशा क्रेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको कुछ कैशबैक मिले। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का अगला फायदा है कि आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव हो जाता है तो फ्यूचर में कभी भी लोन लेने का ज़रूरत पड़ता है ना, तो बहुत आसानी से लोन मिलेगा और कम इंटरेस्ट पर मिलेगा, मतलब कम ब्याज पर आप लोन ले सकते हैं। चाहे किसी भी तरीके का लोन क्यों ना, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया। अगर वही कोई दूसरा बंदा जाता है लोन लेने के लिए जिसका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, तो उससे अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जो कि वो परेशान हो जाएगा। क्यों इतना परेशान किया जाता है, आप सुनते ही होंगे कि लोन के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई किए बट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सिबिल स्कोर अच्छा ही नहीं है तो मिलेगा कैसे। अगर मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा हाई रेट पर मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ब्याज देना होगा। तो आप सिबिल स्कोर इम्प्रूव कीजिए ताकि बहुत आसानी से लोन मिले और सस्ता में लोन मिल सके। अब दोस्तों बात करते हैं इसके यूज़ करने के लिमिट के बारे में। डेबिट कार्ड यूज़ करने के क्या लिमिट होते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के क्या लिमिट होते हैं। डेबिट कार्ड में यूज़ करने का एक लिमिट होता है कि मात्र 40,000 रुपये एक दिन में खर्च कर सकते हैं, चाहे आप उसको कैश विड्रॉ कीजिए एटीएम से या फिर ऑनलाइन इस्तेमाल कीजिए। ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर कोई ऐसा डेबिट कार्ड है जो कि इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स अलाउ करते हैं, तो उसको इशू करवाने के लिए और मेंटेनेंस मतलब एनुअल चार्ज काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन दोस्तों क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड में जितना भी लिमिट मिला है, जैसे कि 50,000 रुपये का लिमिट मिला है, तो आप 50,000 रुपये एक दिन के अंदर में इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसको पे करके फिर से आप उसी दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब ये आज़ादी आपको क्रेडिट कार्ड के अंदर मिल जाता है एक दिन के अंदर में पूरा इस्तेमाल करने। लेकिन दोस्तों डेबिट कार्ड में ये आज़ादी आपको नहीं मिलता है। आपके बैंक में क्यों ना 2-3 लाख रुपये हो, लेकिन आप पर डे 40,000 रुपये से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन होता है डेबिट कार्ड के साथ। और क्रेडिट कार्ड वालों को तब फायदा मिलता है जब किसी भी तरीके का सेल आता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा पे फेस्टिवल के समय सेल आता ही है, उस समय दोस्तों ज़्यादातर ऑफर क्रेडिट कार्ड के फेवर में होते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 10% फ्लैट ऑफ मिलेगा .. बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, अलग अलग बैंक के ऑफर आते ही हैं जो कि क्रेडिट कार्ड
कार्ड के ऊपर होता है। डेबिट कार्ड बहुत ही कम ऑफर देखने को मिलता है, और हमेशा देखिएगा तो क्रेडिट कार्ड पे ऑफर रहता ही रहता है, 100% रहेगा क्रेडिट कार्ड कोई ना कोई बैंक का। तो क्रेडिट कार्ड वालों के ये फ़ायदे फेस्टिवल में मिल जाते हैं। और अगला फ़ायदा मिलता है क्रेडिट कार्ड का एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस का, जो कि क्वार्टरली आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब साल में 4 बार फ्री में इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमें इतने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं तो इसके चार्जेस भी हाई होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड में भी आपको उतना ही चार्जेस पे करने होते हैं जितना डेबिट कार्ड में लगते हैं, 200 रुपये प्लस GST, वो आपको ज्वाइनिंग के समय भी लगता है, मतलब जब आप इस कार्ड को इशू करवाएंगे उस समय भी लगेगा, और एनुअली लगता है साल में एक बार। तो वैसा ही क्रेडिट कार्ड के साथ भी होता है, जब लेंगे तब लगेगा और इसके साथ एनुअली हर साल लगेगा। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं बेनिफिट्स के हिसाब से, उसमें रिवार्ड पॉइंट के हिसाब से, कैशबैक के हिसाब से, यूजेज लिमिट के हिसाब से, तो अलग अलग क्रेडिट कार्ड के अलग अलग चार्जेस होते हैं। अगर बेसिक क्रेडिट कार्ड का बात करें तो 200 रुपये प्लस GST ऐसे ही लगभग लगते हैं। और इसी के साथ मार्केट में कुछ ऐसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आए हैं जिसमें किसी भी तरीके का ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके का एनुअल मेंटेनेंस फ़ी नहीं लग रहा है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बात करें तो अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड, इसी के साथ फ्लिपकार्ट का भी है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जिसमें किसी भी तरीके का ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके का एनुअल फ़ी नहीं लग रहा है। और इसी के साथ डेबिट कार्ड का बात करें तो मार्केट में कुछ न्यू बैंक आए हैं जो कि फ्री डेबिट कार्ड इशू करवा रहे हैं, ना ही ज्वाइनिंग फ़ी लगता है, ना ही एनुअल मेंटेनेंस फ़ी लगता है। दोस्तों वो बैंक है जुपिटर और FI, आप इसके ऐड सुने होंगे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ऐड चल रहे हैं आज के डेट में। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो में क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे ही फ़ायदे सुनते हुए आए हैं। अगर डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें तो अभी ही हमारा बैंक से पैसा कट के चला जाएगा, ना ही किसी भी तरीके का रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ना ही बैंक से पैसा कटेगा और सामान भी अभी मिल जाएगा, पैसे भी 45 से 50 दिन बाद देने हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, और रिवार्ड पॉइंट भी मिलेगा। इतने सारे क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे हैं, और चार्जेस भी उतना ही है जितना कि डेबिट कार्ड में है। लेकिन दोस्तों आज के डेट में डेबिट कार्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर लोगों के पास डेबिट कार्ड होता है, ऐसा क्यों? लगभग लोगों के पास डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं? तो लोग डेबिट कार्ड लेना प्रीफर क्यों करते हैं, क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लेते हैं? दोस्तों इसका सिंपल रीज़न है, क्रेडिट कार्ड के अपने फ़ायदे और डेबिट कार्ड के अपने फ़ायदे। दोस्तों डेबिट कार्ड का कुछ 2 मेज़र फ़ायदे हैं जिसके वजह से लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, आप डेबिट कार्ड से ना किसी भी ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, वही क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते। अगर क्रेडिट कार्ड से करेंगे भी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस लगते हैं, तो इसलिए भूल के भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ नहीं कीजिएगा। कैश विड्रॉ हो तो जाएगा पर चार्ज बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए गलती से भी कैश विड्रॉ नहीं कीजिएगा, तो कैश विड्रॉ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी के साथ दूसरा फ़ायदा होता है, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, Paytm, गूगल पे, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, गूगल पे, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि आप इस्तेमाल करते होंगे, तो ये क्रेडिट कार्ड पे नहीं चलेंगे, इसके लिए आपको डेबिट कार्ड ही इशू करवाना पड़ेगा, और डेबिट कार्ड के माध्यम से ये सब एप्लीकेशन काम करते हैं UPI पे। तो दोस्तों इसमें एक नया अपडेट आया है NPCI का कि अगर आप UPI इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड का ज़रूरत नहीं है, अब आप आधार कार्ड के माध्यम से आप UPI ID बना सकते हैं। तो जब ये आ जाएगा ना तो फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, बस कैश विड्रॉल के लिए बच जाएगा। तो कैश विड्रॉल दोस्तों आज के रेट में बहुत ही कम हो रहा है, अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर में किसी भी तरीके का कैश विड्रॉल नहीं किए, क्योंकि अब ज़माना ही डिजिटल हो जा रहा है, अब हर दुकान पर डिजिटली पेमेंट हो जा रहा है, तो फिर कैश निकालने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगा। तो आने वाला समय में ATM धीरे धीरे कम होते जाएंगे, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और इसी के साथ आपको रिवार्ड, कैशबैक और वगैरह वगैरह मिलता ही है। तो अब बात करते हैं लोग डेबिट कार्ड के साथ साथ क्रेडिट कार्ड को क्यों नहीं रखते हैं जबकि इतने सारे फ़ायदे हैं। तो क्रेडिट कार्ड सबको मिलता ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलता है जिसका सिविल स्कोर अच्छा है। तो जिसका सिविल स्कोर अच्छा है उसको तो बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, लेकिन जिसका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है क्या उसको मिलेगा ही नहीं? अगर लेना चाहता है क्रेडिट कार्ड तो वो सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकता है। सिक्योर क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि आपका सिविल स्कोर तो ख़राब है तो बैंक क्रेडिट कार्ड देगा पर उतना पैसा आपसे जमा करवा लेगा जितना का आप क्रेडिट कार्ड लिमिट लेना चाहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप 50,000 लिमिट लेना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड में, तो 50,000 रुपया बैंक में पहले जमा करना होगा FD में,
जो जिस पे आपको 5-6% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि सेविंग से दुगना है। सेविंग में 3% मिलता है तो उस पे 5-6% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसी के साथ जितना जमा करेंगे पैसा, 50,000 जमा करेंगे तो 50,000 रुपये का लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा जो कि आप इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर में कभी भी इस्तेमाल करते करते आपने उसे इस्तेमाल कर लिए और पैसे को पे ना करें तो उस FD को ब्रेक करके बैंक उस पैसे को पे कर लेगी। इसीलिए वो FD करवाई है, क्योंकि सिविल स्कोर ख़राब है इसका मतलब आपका रिकॉर्ड ख़राब है। तो रिकॉर्ड ख़राब है मतलब आप हो सकता है फ्यूचर में पे ना करें, इसके वजह से आपका FD करना पड़ा बैंक में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट कार्ड में क्या अंतर है, क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, डेबिट कार्ड के क्या फ़ायदे, क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे, और डेबिट कार्ड लेना चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, तो आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं कि कैसे लिया जाता है, तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगला वीडियो बना देंगे कि सिक्योर क्रेडिट कार्ड FD करके लेते कैसे पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में।